आपका निजामुद्दीन दिल्ली से संबंध सीधा मुख्यालय, अब बताने की कोई जरूरत नहीं हमारे इंडिया में कि ये जो वायरस संक्रामक का जो असली जड़, ये कहाँ था और कैसे हुआ, कहाँ ओमिशन हुआ, किससे चूक हुई, राजनीति इस पर नहीं होनी चाहिए। आपको संक्रामक रोग के आगे कोई भी धर्म नहीं है, चाहे हिंदू जो चाहे मुसलमान हो, कोई धर्म हो। ऐसी बात नहीं कि मुसलमान के मजहब के नाम पर ये लोग अपने को डरा धमका करके आपको इस तरह से लोगों ने जो माहौल बना दिया आपको, उस माहौल के चलते आपको अगर भारतवर्ष में कई लोग मरना शुरू करेंगे, आपको उनको पता नहीं कि पहले खुद मर जाएंगे। ये संक्रामक रोग से आगे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान धर्म हो। हम इसका कट्टर इसका विरोध करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं जो मजहब के नाम पर जो राजनीति करते हैं, दिखावा करते हैं, छलावा करते हैं, ये राष्ट्र के नाम पर हम कतई इसको बर्दाश्त लोग इस बार चैनल नहीं करता है। हम सीधा आपको यही प्रोक्लेमेशन एक इश्तेहार ग्रुप में देते हैं। ये सीधा भी इनका फोटो देखिए, ये वही वक्त है। इस वक्त को हम गद्दार भी कह सकते हैं आपको, राष्ट्र का गद्दार जो आकर ये इस व्यक्ति ने जिसका नाम है मौलाना मोहम्मद शाह, जो यहाँ का अध्यक्ष था मरकज निजामुद्दीन, आपके दिल्ली में आकर के इसने जो माहौल बनाया, बाहरी देशों के लोगों को बुला करके ऐसे स्थिति, जब सबको जानकारी थी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर राज्य के मुख्यमंत्रियों ने घोषित किया था कि आपको ये आपके स्टे, आपको होम, आपको ये कंप्लीट इसको कर्फ्यू कर सकते हैं, घरों में रहना, सरकार का डेली आपको इतना प्रोक्लेमेशन तौर पर आपको आदेश होता है। लेकिन इस व्यक्ति जिसका नाम है आपको मौलाना मोहम्मद शाह, हम इसका फोटो आपको अपने आपको सीधा दिखाते हैं। इस व्यक्ति को जहाँ देखें आप, जिस रूप में देखें, ये निश्चित रूप से किसी मस्जिद में छिपा होगा। हम पूरे भारतवासियों से अपील करते हैं कि प्लीज़ इसको गिरफ्तार करने में आप सहयोग करेंगे। अगर इसकी गिरफ्तारी होती है तो हमारा संक्रामक रोग कोरोना जो वायरस है उससे बच जाएंगे। हम केवल अपील करते हैं अपने इस चैनल के माध्यम से, प्लीज़ हम भारतीय हैं, हम हमारे संक्रामक रोग के आगे हम कुछ नहीं कर सकते, ना आपको मजहब कर सकता, ना कोई धर्म पूजा नहीं कर सकता। इस आपको बदतमीज आदमी को आपने गिरफ्तार कीजिए, जो कई ये आपको FIR का नेम्ड FIR है। हम इसके फोटो देते हैं, उम्मीद करते हैं, अपील करते हैं कि आप लोग सूचना आपको पुलिस की मदद करें, इसको गिरफ्तार कराएं। इसी के साथ फिर आपके मिलते रहेंगे। नमस्ते, नमस्कार, प्रणाम।